लगातार इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के जरिए हर एक जानकारी भारत मंडपम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। G20 का हो चुका है समापन, इसके जरिए हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया और आगामी आने वाले वक्त में किस तरह का असर पड़ेगा, जिस तरह का डिक्लेरेशन घोषणा पत्र यहां से जारी हुआ है, कई ऐसे सवाल हैं जिसका एक एक करके जवाब देने की हम आप तक पहुंचाने की हर एक खबर कर रहे हैं कोशिश। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है, आपको बताते चले, एक तरफ रूस यूक्रेन को लेकर बटी हुई दुनिया के बीच में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की गई, तो वहीं दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रों की ओर से कहा गया है यूक्रेन में शांति के लिए G20 प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा है कि रूस अभी भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, हमने दुनिया को शांति एकता का संदेश दिया है। रूस पर यहां पर निशाना साधते हुए इमैनुअल मैक्रों, आपको बताते चले कि लगातार जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका के साथ ही, चाहे वो इटली हो चाहे वो यूके हो, इन तमाम मुल्कों की ओर से लगातार रशिया को लेकर निशाना साधा गया है। और वहीं यूक्रेन जो जंग से लगातार वहां पर जितनी तबाही हुई है उसको लेकर उनकी ओर से अपनी बातें भी G20 के मंच पर रखी गई। लेकिन हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि रशिया जिस तरह का उसका साझेदार और दोस्त रहा है, उस दोस्ती को निभाते हुए रूस का नाम यूक्रेन के संदर्भ में नहीं आया है। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार दुनिया भर के तमाम मुल्कों को एक साझेदार बनने पर लगातार जोर दिया गया, ये कहते हुए कि जो G20 है उसमें दरअसल दुनिया आर्थिक तरक्की कैसे करे इस पर हमारा ज्यादा जोर होना चाहिए, न कि भू राजनीतिक विषयों को इतने ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। रूस यूक्रेन का मुद्दा एक मुद्दा है, उसको एक मुद्दे के तौर पर देखा जाए, लेकिन अगर सिर्फ इसी पर हम अडिग रहेंगे तो तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं वो कहीं कहीं पीछे रह जाएंगे। पीएम की ओर से लगातार जोर दिया गया और यकीनन दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को हासिल हुई है। लेकिन इन सब के बीच G20 के जरिए हिंदुस्तान को क्या मिला, नेहा बातम मेरी सहयोगी भी बनी हुई है भारत मंडपम से। नेहा, बार बार जो आम जनता है उसके जहन में यह सवाल है कि G20 के जरिए मुल्क को, भारत को, हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ है। वही दरअसल मैं चित्रा आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान में आर्थिक लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम और कई सारे करार ऐसे किए गए हैं जिससे आने वाले वक्त में हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे हमने नौकरियों की बात की हो, इस पर भारत को कई सारे टेकअवेज मिले हैं। कल हमने देखा था कि कैसे हमने बांग्लादेश के साथ ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर एक अहम करार साइन किया था, एक अहम एग्रीमेंट ये बायोफ्यूल को लेकर था। इसके साथ ही मैं ये भी बता रही थी कि जो कॉरिडोर, जो पोर्ट कॉरिडोर हम जिसकी बात लगातार कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के साथ हम बनाने वाले हैं, जो आगे जाके यूरोप तक एक्सटेंड होगा, उससे और ज्यादा आसानी मिलेगी भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में व्यापार, जो कि हम पोर्ट के जरिए जो सामान भेजते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान, उसमें और ज्यादा ईज ऑफ बिजनेस आएगा। लेकिन इसके अलावा आप बहुत ही कम शब्दों और आसान तरीके से ये समझिए कि आने वाले वक्त में अगर हम इंडस्ट्रियल हब के तौर पर, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इंडिया को देख रहे हैं, यानी कि यहां की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और आबादी का फायदा चीन के बाद अगर कोई भी देश हिंदुस्तान में उठाना चाहता है तो वो इस बढ़ती हुई आबादी का फायदा इस तरीके से उठा सकता है कि यहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेट करते हैं तभी टेस्ला और एप्पल की निगाहें भारत पर हैं। यहां पर आपको लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज मिलती हैं जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, यानी कि आप कम पैसे में, कम लागत में वो तमाम चीजें बना सकते हैं जो हमने पहले भी जिसकी बात करी थी कि एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर इंडिया को देखा जा रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में रोजगार के क्षेत्र में अगर 6G यहां पर आता है तो आप टेलीकॉम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अगर आप बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, और जहां जहां भी डाइवर्सिफाइड बायोफ्यूल इस्तेमाल होता है उस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कॉस्ट के जरिए हम लाभ उठा सकते हैं जो अभी तक हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझिए कि आने वाले वक्त में जो ये अग्रीमेंट हुआ है यहां पर एक दिन पहले ही समापन के, उसको लेकर अब विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि एक माइलस्टोन है। शशि थरूर की ओर से स्टेटमेंट आया जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और ये एक आम बात नहीं, क्योंकि आज दिन भर हम चर्चा करते रहे कि जैसे G20 का समापन होगा उसके बाद आलोचनाओं का दौर, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सामने आकर खुले तौर पर इसे एक सफल आयोजन मान रहे हैं, कह रहे हैं एक मील का पत्थर है, और आने वाले वक्त में इसका उदाहरण विपक्षी पार्टियों के भी कई नेता दे सकते हैं। चित्रा,
हिंदुस्तान की ओर से गागर में सागर भरने की कोशिश की गई और काफी हद तक मिली है उसमें कामयाबी। दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति भी यहां पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आगामी दिनों में आप देखेंगे हिंदुस्तान के अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह का निवेश आएगा जिसके जरिए यकीनन यहां पर रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, कम से कम इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच हिंदुस्तान गांधी का देश है, ये गांवों का देश है। हिंदुस्तान के हर घर में हर दिल में गांधी बसते हैं और आज उसी गांधी की तस्वीर पर नमन करने के लिए उनके समाधि स्थल पर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक सिरे से पहुंचते हैं, उनको नमन करते हैं। वो तस्वीरें अद्भुत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खादी का शॉल पहनाकर वहां पर सभी का स्वागत किया गया और उसके बाद सभी ने पुष्पगुच्छ चढ़ाकर वहां पर महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी के जरिए हिंदुस्तान दुनिया भर में किस तरह का संदेश दे रहा है, आज गांधी की जरूरत दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्यों महसूस की जा रही है, G20 के जरिए गांधी को सामने रखकर आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको साधने की कोशिश भारत की ओर से की गई है, उसको बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। COVID-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। राजघाट पर आज G20 के राष्ट्राध्यक्ष सुबह सुबह पहुंचने लगे। उनसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बापू के समाधि स्थल पहुंच चुके थे। मेहमान आने वाले थे तो तैयारी भी हो चुकी थी। अतिथि एक एक कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने आने लगे। प्रधानमंत्री मोदी सभी को खाकी का शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे थे। वहां साबरमती आश्रम की तस्वीर भी लगाई गई थी। सभी मेहमानों को पीएम मोदी उसकी जानकारी भी दे रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने उनका भी पारंपरिक शॉल उड़ाकर अभिवादन किया। एक एक कर मेहमान राजघाट पहुंचे। कुछ ही देर बाद सभी अतिथि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बापू की समाधि की ओर बढ़े। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई है और इस बैठक में भारत की कूटनीतिक कामयाबी का एक और अध्याय जुड़ गया। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। जिस वक्त दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर है उस वक्त भारत ने G20 के मंच से बेहद कूटनीतिक अंदाज में घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। सही मायने में इन्हीं शब्दों में महात्मा गांधी के संदेश छिपे हैं जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के बीच दोहराया। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। तमाम देशों ने भारत के इस रुख की जमकर तारीफ की तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी दिग्गजों ने बताया कि दुनिया में शांति के लिए गांधी के संदेशों पर अमल करना बेहद जरूरी है। राजघाट पर श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, जैसे जैसे विविध राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं गांधी जी के आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। इस बार G20 समिट कामयाबियों को समेटे हुए है। उम्मीद है महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर कुछ सार्थक हासिल हो सकेगा। दिल्ली के राजघाट से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन करने के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ जब राजघाट पहुंचे तो उसकी तस्वीरें आपने देख ली हैं। लेकिन इसके ठीक पहले आज सुबह सुबह यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की शुरुआत होती है अक्षरधाम मंदिर से। अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहां पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके जरिए अपनी आस्था को कैसे उन्होंने व्यक्त किया है उसको बताती हुई हमारी अब अगली रिपोर्ट देखिए। Thank you.
आस्था अपने कर्म पर है, आस्था अपने धर्म पर है और दोनों की अहमियत बखूबी जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने व्यस्त समय में से कुछ पल अपनी भक्ति के लिए निकाले और पहुंच गए अक्षरधाम मंदिर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे। वहां रिसेप्शन पर ही ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने जूते निकाले और फिर दोनों बारिश में छतरी लेकर पैदल चलते हुए मंदिर के भव्य मंडोवर यानी जगमोहन पर पहुंचे। वो नंगे पैर गए क्या? जूते हमारे वहां निकाल के गए, जहां जूते रखने की नहीं, जूते रखने की जगह नहीं, हमारा जो रिसेप्शन सेंटर है। अच्छा। रिसेप्शन सेंटर में जूते रख के गए क्या? और कहा कि नहीं मैं जूते नहीं पहनूंगा। और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, सब गीला हो गया था क्या? उनके सॉक्स भी गीले हो गए, लेकिन बोला नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे। वहां धाम के साधुओं और मंदिर प्रबंधन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री सुनक का स्वागत किया। उसके बाद सुनक दंपति ने मुख्य स्मारक मंदिर में राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी नारायण और उनके गुरु परंपरा के संतों के विग्रह की आरती भी उतारी। अक्षरधाम प्रशासन और प्रबंधन ने उनको यादगार के तौर पर अक्षरधाम मंदिर का मॉडल और मंदिर के स्थापत्य प्रतीक हाथी और मयूर की कलाकृतियां भेंट की। उनको मंदिर में ले गए, मंदिर में बहुत प्रेम से उन्होंने आरती की। क्या उन्होंने हमारे वहाँ राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती परमेश्वर, लक्ष्मी नारायण सबकी मूर्तियां है, सब मूर्तियों के पास में उन्होंने पुष्प रखे, प्रार्थना की हाथ जोड़ के, और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और उसके बाद वो यहाँ नीचे आए, हमारे संतों ने फिर भी उनका स्वागत किया। अक्षरधाम मंदिर का मॉडल उनको हमारी ओर से पुरस्कार भेंट के रूप में दिया। उनकी वाइफ का भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्सर अपनी आस्था दिखाते रहे हैं, अपनी पवित्र भावनाओं का इजहार करते रहे हैं। उन्हीं की एक झलक अक्षरधाम मंदिर में भी दिखी। हिंदू होने पर मुझे गर्व है, ये भी कहा है ऋषि सुनक ने। वैसे आपको G20 में हिंदू, हिंदुत्व, सनातन धर्म के तमाम प्रतीक दिख जाएंगे, भारत से जुड़ी हुई वो तमाम कलाकृतियां जो हिंदुस्तान को गर्व करने का मौका देती हैं। और इसी के साथ G20 ने एक बड़ा संदेश दिया है, मजबूत भारत, सशक्त भारत, एक साथ आगे बढ़ता भारत और दुनिया को रास्ता दिखाता हुआ भारत।